नमस्कार किसान भाई, मैं आपका दोस्त केएन मौर्या और आज बात करूंगा फरवरी के महीने में भिंडी की खेती। आज 14 फरवरी हो गई है, अब मौसम सामान्य हो रहा है, बहुत लोगों ने भिंडी अगेती भिंडी की खेती कर ली है। कुछ लोग जो अभी भिंडी की खेती नहीं कर पाए हैं या जो आलू खुदाई कर रहे हैं वो चाहें तो भिंडी की खेती फरवरी में करके बहुत बढ़िया लाभ कमा सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको भिंडी की खेती के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से बताऊंगा, जिसमें खाद कौन कौन सी डालें और कितना डालें इसका विश्लेषण होगा, बीज के बारे में एक एकड़ में कितना बीज लगेगा, साथ ही कैसे और कब उत्पादन मिलेगा, आने वाले रोग बचाव के तरीके सब कुछ बात करूंगा मैं। तो आइए शुरू करते हैं भिंडी की खेती, फरवरी में भिंडी की खेती कैसे करें इसके बारे में। मित्रों, यदि चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो मेरी आपसे छूटे। भिंडी की खेती आप यदि करना चाहते हैं तो खेतों को बढ़िया से जुताई करके, पहले मिट्टी की बात कर लें, तो बढ़िया से खेतों की जुताई कर लें और जुताई करने के बाद इसमें वर्मी कंपोस्ट यदि आपके पास अवेलेबल हो तो उसे डालिए, नहीं अवेलेबल हो तो यदि गोबर की खाद है तो कम से कम 2 से 3 ट्राली गोबर की खाद डालिए। 2 से 3 क्विंटल 3 से 4 क्विंटल यदि आप डाल सकते हैं तो पोल्ट्री फार्म की खाद डाल लीजिए। 1 एकड़ में 25 से 30 किलो रासायनिक फर्टिलाइजर में डीएपी डाल लीजिए। इसके साथ साथ आप अपने खेत में एक बढ़िया फंगीसाइड या आग के पत्तों को सुखा करके डाल सकते हैं। यदि सुखा के नहीं डाले हैं तो जोताई के समय ही उसे काट करके डाल लीजिए। जुताई करने से पहले या करते समय ही एक बैक्टीरिया अपने खेतों में जरूर डालें, क्योंकि आप जितना भी खाद अपने खेतों में डालते हैं वो खाद जब तक हमारे पौधे को लगेगी नहीं तब तक कोई मतलब नहीं है कि आप अपने खेतों में कितना खाद डाल रहे हैं। तो यदि बैक्टीरिया आपके खेतों में होगा तो वो आपके खेतों में पड़ने वाली खाद को जो आप डाल रहे हैं उसे अनअवेलेबल फॉर्म से अवेलेबल फॉर्म में कराने का काम करेगा। खेत की अच्छी से जुताई कर लें। आप 2 तरीके से भिंडी की खेती कर सकते हैं, मेड़ पे भी कर सकते हैं और बिना मेड़ यानी फ्रेश खेत में क्यारियों में भी कर सकते हैं। देखिए, मेड़ पे करने का फायदा आपको ये मिलेगा कि यदि बारिश होगी तो आपके पौधे खराब नहीं होंगे। 1 एकड़ में यदि बीज की बात करूं तो 5 भिंडी की 5 बेहतरीन वैरायटियां जो अगैती और जो आगे लगने वाली और फरवरी में लगने वालों की चर्चा मैं पहले ही वीडियो में कर चुका हूं, लेकिन इस समय आप यदि लगाना चाहते हैं तो भिंडी की बहुत सारी वैरायटियां हैं। नुनहंस है, कलश है, फिर बीएनआर का है, फिर राधिका है। देखिए, इस समय यदि आप करिएगा तो राधिका चूंकि मार्च में लगती है लेकिन अब फेब आ गया है, 15 फेब को हम खड़े हैं, 14 फेब को, तो आप इस समय राधिका का बहुत अच्छा उपज है। थोड़ी सी महंगी है लेकिन उपज बहुत है, फलती बहुत है, तो राधिका का राधिका को लगा लें आप। मैं डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें लिख भी दूंगा, तो राधिका को आप लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से वो बेहतर रहेगी, क्योंकि बहुत सारे किसानों ने जो पिछले साल लगाए थे वो काफी संतुष्ट थे इससे, क्योंकि बीमारियां भी इसमें कम आती हैं, फल भी इसके बहुत अच्छे आ रहे हैं, रोग रोधी वैरायटी है, तो ये आपको बहुत ज्यादा लाभ देगी। बुआई करते समय खेत जब आप बना लें तो बुआई करते समय मेड़ यदि बो रहे हैं तो मेड़ से मेड़ की दूरी 3 फीट रखें, और यदि आप पौधे से पौधे की दूरी की बात करें तो 1.5 से 2 फीट आप पौधे की दूरी 1.5 से 2 फीट रख सकते हैं, यानी मेड़ 3 फीट पे रखें। 1.5 से 2 फीट पे यदि आप भिंडी लगाते हैं, 1 बीज आप सिंगल सोइंग करिए। खेत में नमी होनी चाहिए तभी जर्मिनेट होगा, नमी नहीं होगी तो जर्मिनेशन में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, लेट जर्मिनेशन आपका लेट होगा। इसके अलावा जब छोटी छोटी पत्तियां निकल आए भिंडी की तो नमी यदि मौसम पे डिपेंड करेगा, यदि आपको लगेगा कि खेत में नमी नहीं है तो हल्का पानी चलाएं, यानी पानी इस कदर चलाएं कि मेड़ से जहां आप बीज लगाए हैं उससे कम से कम 2 इंच नीचे, 2 इंच 3 इंच नीचे ही रहे, क्योंकि जब उतना पानी लगाएंगे तो ऑटोमेटिक पानी को मेड़ सोख लेता है, तो उनके जड़ों तक पानी पहुंच जाएगा। यदि पूरा भर देंगे तो दिक्कतें होंगी, आपकी जर्मिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सूखने के बाद मिट्टी हार्ड हो जाएगी तो उससे दिक्कत होगी। जब आप लगा लें तो देखिए, 1 एकड़ में लगभग 1.5 से 2.25 किलो बीज आपका लगेगा। 1.5 किलो स्टैंडर्ड मानक 1.5 से 2.25 किलो के आसपास बीज लगेगा, और इसे लगाते समय जो खेत की आप तैयारी करें तो प्रयास करें कि बुआई जो है दोपहर बाद हो,
क्योंकि दोपहर बाद करना ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, दोपहर बाद की तैयारी करके और लगा दें, ये बेहतर होगा आपके लिए, सारा कुछ डाल लें। अब बात करते हैं जब भिंडी जर्मिनेशन होने लगे, जर्मिनेट हो जाए, तो इतना खाद पानी डाल के आपने लगा दिया है, कुछ चीजें दिक्कतें आएंगी आपको, जैसे छोटे छोटे जब पौधे होंगे तो आपको एक दिक्कत आएगी कि एक कीट आएगा जमीन से, वो आ करके काट देगा भिंडी, वहां से ऐसे गिर जाएगी। तो इसके लिए या तो केमिकल में बहुत सारी दवाएं हैं उसे यूज कर लें, आप नीला थोथा का प्रयोग कर सकते हैं, नीला थोथा जो है तूतिया जिसे आप कहते हैं, उसको प्रति एकड़ 250 ग्राम पानी में घोल लें, 10 लीटर पानी में घोल लें, और जब पानी चलाएं तो उसके रास्ते से टपक विधि से, या जो डॉक्टर स्लैंग लगाते हैं उस विधि से, या किसी बड़े से डब्बे में लेकर के पानी के माध्यम से इसको पूरे खेत में लगा दें, तो जमीन का कीड़ा जो है इससे कंट्रोल रहेगा। इसके बाद जैसे जैसे भिंडी बड़ी होगी तो निराई गुड़ाई, देखिए घास कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी दवाएं मार्केट में हैं जिसे आप डाल करके घास को कंट्रोल कर सकते हैं, घास को निराई गुड़ाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, घास कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन यदि मुझसे आप पर्सनल राय लें तो मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि आप घास की जो निराई गुड़ाई जो है हाथ से करिए, क्योंकि 40 दिन के 30 दिन के बाद यानी 35 से 45 दिन के अंदर खेत की निराई गुड़ाई हो जानी चाहिए आपकी। निराई गुड़ाई जब आप करें तो इस समय आप चाहें तो लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं, या आवश्यकता अनुसार यदि लगे तो आप थोड़ी सी प्रति एकड़ 10 से 12 किलो यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं, यदि डिफिशियंसी लगे यानी पत्ते पीले लगे तो, और नहीं लगे तो बहुत जरूरी नहीं है, आप डाल करके पानी चला सकते हैं। इस समय जब आप 40-45 दिन पे जब निराई गुड़ाई करके पानी चलाएंगे तो इसमें आप चाहें तो प्रति एकड़ 20 से 25 किलो खली भिंगा करके बढ़िया से उसे पानी में घोल करके उसे आराम से धीरे धीरे पानी के माध्यम से दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही भिंडी बड़ी होगी तो इसमें रस चूसने वाले कीटों की समस्या आपको बहुत ज्यादा आएगी। यदि मार्केट में जाएंगे तो बहुत सारी दवाइयां आपको स्प्रे करनी पड़ेगी जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, पौधों का स्वास्थ्य और साथ साथ आपकी खेती का स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा। ये हमेशा याद रखिए कि जहर का स्प्रे जितना अपने खेतों में करेंगे उतनी ज्यादा बीमारियां बढ़ेंगी न कि घटेंगी। तो यदि इसका आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन एक दिन पहले, उस दिन या उस दिन के बाद नीम के तेल का प्रयोग, या तो खुद घर पे निकाला हुआ हो वो ले लीजिए, या मार्केट में जो ट्रैक्टिन मिल जाता है 0.5 या 0.1 या 1% उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको नीमबिन, नीमसिन, एजिट्रोडैक्टिन यदि तीनों एक साथ मिल जाए तो इट इज टू गुड, ये बहुत बढ़िया रहेगा। 10 से 15,000 ppm में इसका इस्तेमाल 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से अमावस्या और पूर्णिमा के दिन या उसके एक दिन बाद या उस दिन पहले करते हैं। तो ये होता क्या है कि इससे अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जो 99% कीट आपके खेतों में अंडे देते हैं, जब आप इसको स्प्रे करते हैं तो वो अंडे मर जाते हैं। मर जाएंगे तो जब आपने कीट के अंडे को ही मार दिया तो आपकी लगभग 90% बीमारियां कंट्रोल हो जाएंगी। इसके साथ साथ जो भिंडी पे वायरस लगता है, जो मोजेक लगता है, इसमें भी आपको काफी राहत रहेगी और ये बीमारियां भी आपके खेतों में नहीं आएंगी। अब बात करें उत्पादन की, तो किसान भाइयों देखिए पहला उत्पादन आपको 45 दिन के बाद हार्वेस्टिंग के लिए ये शुरू हो जाती है 45 से 50 दिन में, तो पहला उत्पादन जब आप लेंगे तो बहुत अच्छा आता है, सीधा रहता है और आपको उत्पादन अच्छा रहता है जिससे रेट आपको बढ़िया मिलता है। देखिए यदि आप चाहते हैं कि ये उत्पादन लगातार आपको यानी दसवीं तुड़ाई भी तोड़े तो मार्केट में बिल्कुल नरम भिंडी जाए, बिल्कुल हरी भिंडी जाए, और मार्केट में जो व्यक्ति ले उसे लगे नहीं कि ये दसवीं तुड़ाई है या पुराने पौधों की है, तो उसके लिए 3-4 तुड़ाई करने के बाद प्रति एकड़ कम से कम बढ़िया इरिटा फॉर्म में आधा किलो आयरन, आधा किलो बोरान, आधा किलो कैल्शियम, आधा किलो मैग्नीज, आधा किलो जिंक, ये पानी के साथ आप जमीन में दें। इससे क्या होगा कि आपकी भिंडी जो है फिर से नए नए जो फल आएंगे वो बहुत नरम होंगे, बहुत अच्छे होंगे, सीधे और सुंदर होंगे, चमकदार होंगे, जिससे आपको मार्केट में रेट भी बहुत बढ़िया मिलेगा। जब टेम्परेचर में बेतहाशा वृद्धि हो, जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़े, तो प्लांट जो है टेंशन में चला जाता है, पौधा टेंशन में चला जाता है, उससे बचने के लिए आप उस पे एक दवा आती है स्ट्रेस आउट,
जो आप किसी भी दवा के साथ उसका स्प्रे यदि स्ट्रेस आउट का करते हैं तो आपके पौधे पे किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं आएगा, पौधा स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, उत्पादन आपका शानदार होता रहेगा। किसी भी तरह हेल्प की जरूरत हो आपको तो 9236 11 47 11 पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।